चले हीट का शुरुआत करें। तो हीट का डेफिनेशन सबको याद हो गया, ये वाला पंखा बंद कर दो, एफ मेरा वाला। हाँ, हीट के हीट एक एनर्जी का ही रूप है जो हमें गर्मी को समझने का या फिर ठंड को समझने का सेंस देता है, ठीक है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें हॉटनेस या कोल्डनेस को समझने का सेंस देता है। समझ में आ गया सबको। अब हीट का बाबू दो टाइप है यूनिट के आधार पर, उसके यूनिट के आधार पर। एक हीट का जो टाइप होता है वो एसआई यूनिट के आधार पर होता है, एगो नॉन एसआई यूनिट होता है, इसको हम लोग कभी बाद में सीखेंगे, पहले नॉन एसआई यूनिट ये दोनों सीख लीजिए। ये दोनों क्या है, एसआई का मतलब क्या होता है पता है आपको? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नाम सीधा लेकिन काम उल्टा, नाम सीधा और काम उल्टा। ऐसे हीट का एसआई यूनिट क्या होता है पता? हीट का एसआई यूनिट भगवान टेम्परेचर का होता है बच्चों। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है जल्दी बोलो, नहीं पता? हीट का एसआई यूनिट जूल होता है, जूल। एसआई यूनिट जूल होता है। ये जूल एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। जूल को जे से डिनोट किया जाता है, जे जे। हीट का ऐसा यूनिट जूल, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन। टेम्परेचर के कितने होते हैं स्केल, तो वो अभी अलग सीखेंगे। अब देखो इधर, हीट सीख गए, हीट के बाद टाइप अभी हमको नहीं पता कि क्या करना है, सब नहीं करना है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट के बारे में समझो। ऐसा यूनिट क्या है पहले समझो, यूनिट क्या है। यूनिट का मतलब होता है किसी भी चीज को जिस चीज से मापा जाए वो उसका यूनिट कहलाता है। जैसे व्हाइट बोर्ड को देख लो पहले, ये व्हाइट बोर्ड को हम माप रहे हैं मार्कर से, किस चीज से माप रहे हैं मार्कर से, तो इसका मापने का यूनिट क्या हुआ मार्कर। तो यूनिट क्या बोलेगा इसका क्या है मार्कर, बोलेगा क्योंकि 10 मार्कर ये चौड़ा है, इसका यूनिट क्या हुआ 10 मार्कर। मार्कर समझ में आया, यूनिट हो गया। उसी तरह से यूनिट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को जिस चीज से मापते हैं वो उसका यूनिट कहलाता है। तो इसका यूनिट जूल है। जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर जूल रखा गया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा दिया था इसके बारे में। अगर और ज्यादा डिटेल इसको पढ़ाएं तो फिर बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, उसी तरह जैसे आपका गया था, कौन बोला गया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें से अभी बहुत सारा चीज बच भी गया था, जिसमें से रूमिनेंट्स बचा हुआ है और अमीबा वाला बचा हुआ है। दो पोर्शन हम सोच रहे हैं कभी एक दिन लेकर के, इसका एक दिन का है, इसको जल्दी से खत्म करवा दिया जाए, ये दो को बचा हुआ था। खैर अब आगे बढ़े। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और नॉन एसआई यूनिट में कैलोरी लगा रहेगा, जैसे कि किलो कैलोरी या फिर कैलोरीज, ये सब लगा रहेगा, वो नॉन एसआई यूनिट है। कैलोरी आप लोग देखे होंगे कितना कैलोरी हीट, ठीक है। तो कैलोरी लगा है वो नॉन एसआई यूनिट है, और जूल है जो वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, सारे देश में इसी को बोला जाएगा जूल, लेकिन कहीं कहीं कैलोरी भी यूज होता है। दोनों चीज हो गया, यूनिट समझ में आया। किसी ऑब्जेक्ट को जिस मीडियम से मापते हैं उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस को जिससे मापते हैं वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। लिख लीजिए द डिग्री ऑफ, देखिए टेम्परेचर का डेफिनेशन लिखिए, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर का हिंदी तापमान होता है। सर,
नॉन एसआई यूनिट का मतलब हुआ कि कभी कभी हीट का यूनिट के रूप में कैलोरी भी यूज कर दिया जाता है या किलो कैलोरी भी यूज किया जाता है जूल के जगह, ठीक है। ये नॉन एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट नहीं है। कहीं कहीं देखिएगा कि हीट का यूनिट के रूप में यूज कैलोरी समझती है, कैलोरी नहीं समझती। अच्छा, एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी, याद रखिएगा। आप लोग नहीं कैलोरी का पता है कि क्या होता है, सर जाइएगा बिस्किट खरीदते हैं, बिस्किट वगैरह खरीदते हैं, बिस्किट किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है। जाना बिस्किट पर और देखना पीछे लिखा होगा इतना कैलोरीज एनर्जी मिल रहा है इससे बिस्कुट को खाने से, या फिर स्नैकर में लिखेगा इतना कैलोरी CAL लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको खाने से आपके शरीर में एनर्जी मिलेगा, इतना कैलोरी एनर्जी मिलेगा। एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी, याद रहेगा। आप कोई शरीर में कितना कैलोरी एनर्जी ले रहे हैं वो बताएगा आपको कैलोरी। जितना भी आप मीठा चीज खाते हो दुकान से खरीद करके, सब में पीछे देखिए लिखा रहेगा इतना कैलोरी आप ले रहे हैं एनर्जी। और हीट भी एनर्जी का ही फॉर्म है, यानी एनर्जी है, इसलिए इसमें भी कभी कभी कैलोरी भी यूज करता है या किलो कैलोरी का भी यूज करता है। ज्यादा हीट हो जाएगा, कुछ ज्यादा मापना होगा, बड़ा स्ट्रेंथ में मापना होगा, तो हम लोग यूज करेंगे किलो कैलोरी का, लेकिन छोटा में हम लोग कैलोरी। और ऐसे मेनली हम लोग यूज करते हैं जूल का, याद रहेगा। जैसे टेम्परेचर में हम लोग यूज करते हैं सेल्सियस का, नहीं तो फारेनहाइट का, लेकिन वस्तुतः यूनिट होता है उसका केल्विन। केल्विन हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, केल्विन बहुत कम करते हैं, सुन ना रहा। उसी तरह से कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, याद रहेगा, कैलोरी एनर्जी का यूनिट है। और जब आप कुछ बाजार से स्नैकर खरीदे, स्नैकर के पीछे देखिएगा, मान लीजिए लिखा होगा 10 कैलोरी, मतलब हुआ कि आप इस स्नैकर को खाइएगा तो आपके शरीर में इतना कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होगा। एक बात और जानकारी के लिए, जो बड़े बड़े एक्टर लोग होते हैं जिनका शरीर मेंटेन करना होता है और जिनके शरीर के द्वारा, मतलब उनको लगता है डेली उनका रूटीन रहता है कि इतना इतना ऐसे ऐसे हमको खाना है, डेली रूटीन डाइट का, तो वो लोग एनर्जी को एक लिमिट मात्रा में लेता है कि इतना कैलोरी एनर्जी लेना है, इतना प्रोटीन लेना है, इतना विटामिन लेना है, इतना ही उसका एक सलाहकार होता है, मेडिकल टीम उसका बना होता है, वो सब खाना वाना सब वही फिक्स करेगा, एनर्जी वगैरह सबका डाइट वही प्लानिंग करता है। और उसी के अनुसार जितने भी एक्टर हैं जो बड़ा बड़ा है, जिसका शरीर एकदम फिट रहता है, तो वो लोग उसी अनुसार खाता है, उबाला हुआ चीज खाएगा, तेल नहीं खाना है, ये चीज नहीं खाना है, सब एकदम ऐसे वर्जित है। तब तो आखिर अमिताभ बच्चन अभी तक जवान क्यों दिख रहा है बताओ? अब दिख रहा है इसलिए कर रहा है कि बताओ उस लोग को सम्मान देना कोई है नहीं। अब जो अब गुटखा का प्रचार करे, देश के जितना भी नौजवान है सबको बिगाड़ रहा है, तो वैसे लोग को क्या कहें बताओ? अरे तरह ही कर सकता है, कह रहा है कि बाप कैची तो कि यमला पगला दीवाना, अब बेटा एक कैची तो कि चित्रकार, और फिर उसके बाद कह रहा है कि बीमल कोची तो क्या था जी, कैची का प्रचार करता हमको नहीं पता चल रहा कि कहता है कि बाप एक कहता है कि यमला पगला दीवाना, ऐसे करके एक प्रचार देता है वो तंबाकू का, अमिताभ बच्चन करता है। उसके बाद अच्छे बाबू हैं देख लो, उनका भी आता है विधवा केसरी, सुने आप लोग? ये सब बताओ देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये लोग गुटखा का प्रचार करता है कि नौजवान खाए, अपने क्या करेगा, अपने इस लोग का लिस्ट होता है कि ये चीज नहीं खाना है, इतना कैलोरी नहीं एनर्जी लेना है, नहीं तो फिर शरीर मोटा हो जाएगा, ऐसे नहीं खाना है, ये चीज नहीं खाना है, ये लाइन लगाना है, ये चीज करना है। अब देखो जूही चावला एक एक्ट्रेस है, उसकी पति को देखेगा तो पूरा बाल झड़ल है, एक भी नहीं है, और प्रचार करती है केश किंग का। यही दिक्कत है हमारे देश में, ज्यादा पहले अपना पति के उगा करके लाती और दिखाती तो अच्छा रहता, वो नहीं कर रही, पूरा पति का उसका देखेगा बाल तो बूढ़ा है। ये लोग एक्ट्रेस लोग कहीं करती है, उम्र हो जाएगा उसके बाद ये लोग विवाह कर लेगी करोड़पति मिलियन वाला से, भले लाठी पर चल क्यों ना रहा हो, ठीक है, मिलियन पति है, क्या बोले उसको, जूही चावला का जो हस्बैंड है, लेकिन बाल एक को गुना, औरत प्रचार करे इसका केस की का। रवीना टंडन
रवीना टंडन एक एक्ट्रेस है, इसका पति भी देखिएगा तो पूरा बाल एकदम खत्म है, झुरझुर पूरा है, पूरा स्किन इसका। लेकिन ये जो है कौन क्रीम का तो प्रचार भी करती है, तो देख लो अपना ये लोग क्या कर रहा है। चलिए अब उस समय बात नहीं करेंगे। एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी का यूनिट है कैलोरी, याद रखिएगा। और नहीं बसा तो जाकर के किराने दुकान से खरीदो बिस्किट और देखो उस पर कैलोरी लिखा है, हम तो खरीद के नहीं बसा सकते, ठीक है। लेकिन 5 रुपया से मेरे पास चेंज था, लेकिन उतना हम नहीं करेंगे। लेकिन आइए और खरीद के देखिए कैलोरी लिखा रहेगा। अब आगे बढ़ते टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब हुआ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्ड। डिग्री का मतलब समझते हैं सबसे अधिक, यानी कि गर्मी या ठंडा का ये क्या बताता है, डिग्री बताता है, मात्रा बताता है, कितना मात्रा है। टेम्परेचर का मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठंडा या गर्मी का मात्रा बताना टेम्परेचर कहलाता है। ठंड ज्यादा तो बताएगा ना कि कोल्डनेस है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है तो हॉटनेस है। तो ठंड या गर्मी का जो डिग्री बताए उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर, यानी तापमान। और तापमान को मापने वाले यंत्र को कहते हैं थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं थर्मोमीटर ही था कि थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट विच मेजर टू हॉटनेस और कोल्डनेस या टेम्परेचर, जो भी कह सकते हैं। थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस मापते हैं। और सीधे सीधे बोले टेम्परेचर भी मापते हैं तो चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल, अच्छा थर्मोमीटर में दो वर्ड से बना है, थर्मो और मीटर, इसमें दो चीज जुड़ा हुआ है। देख लो थर्मो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड समझते हैं आप लोग, लैटिन वर्ड समझते हैं, एल ए टी आई एन लैटिन वर्ड। इंग्लिश में, इंग्लिश कल्चर में हर एक वर्ड का एक अपना लैटिन वर्ड होता है। जैसे थर्मोमीटर, ये भारत का नहीं है, भारत का अगर थर्मामीटर बना होता तो भारत वाला नाम उसका पड़ता है ना, भारत में क्या नाम देता, ठंडाई मापक यंत्र है ना, गर्माई मापक यंत्र ऐसी कहता। लेकिन भारत में इसका यूज नहीं हुआ, भारत के लोग नहीं बनाए, बनाया कहा तो विदेश के लोग इसको बनाया, तो विदेशी लोग विदेशी वर्ड यूज करेगा, वो क्या यूज किया, थर्मोमीटर। तो थर्मो शब्द विदेशी है, लैटिन वर्ड है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन वर्ड नहीं है, वो लैटिन वर्ड है। और लैटिन वर्ड है थर्मो, बना है लैटिन वर्ड से। और थर्मो का इंग्लिश होता है, आप लोग पढ़िएगा तो थर्मो का इंग्लिश होता है हीट, और मीटर का मतलब होता है मापना, ठीक है। थर्मो मतलब हीट और मीटर मतलब मेजरिंग। थर्मोमीटर हीट को मापने वाला, तो थर्मोमीटर में थर्मो वर्ड लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है हीट, और मीटर का मतलब होता है मापना। चलिए हो गया। अब है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल तीन को होता है हम लोग के देश में, कौन कौन होता है, पहला आप लोग को बता होगा, सबसे पहला होता है डिग्री सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर स्केल में सबसे पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है फारेनहाइट स्केल, और तीसरा होता है केल्विन। टेम्परेचर के तीन गो स्केल होता है। टेम्परेचर के कितना स्केल, तीन स्केल, पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा फारेनहाइट स्केल, और तीसरा, अरे ऐसा नहीं कि नंबरिंग दम पूरा फिक्स है, पहला में केल्विन भी बोल सकते हैं, ऐसे तो होना चाहिए केल्विन ही, क्योंकि केल्विन ऐसा यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। अब तीनों स्केल को चेंज करने के लिए आप लोग को आता होगा, नहीं आता है तो फॉर्मूला याद कर लो, बोला सर कोई C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग सेल्सियस से फारेनहाइट में, फारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस से केल्विन से फारेनहाइट में, हर एक में चेंज कर सकते हैं एक ही फॉर्मूला से। इस सब दरे चलता है, सब जगह चलेगा, देखना। जैसे कोई बोल दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलो,
तो हम लोग सेल्सियस सी से सेल्सियस और फारेनहाइट से फारेनहाइट ये दोनों फॉर्मूला लेंगे। आइए लीजिए सी बटा फाइव बराबर एफ माइनस 32 बटा 9। बोला कि जीरो डिग्री को बदलो फारेनहाइट में तो सेल्सियस के जगह पर तो देंगे जीरो डिग्री सेल्सियस, यहीं पर भर देंगे जीरो डिग्री सेल्सियस बटा फाइव बराबर एफ माइनस 32 बटा 9। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, इधर करेंगे तो 5f माइनस हो जाएगा 5×10 = 160। अब जीरो है तो कोई वैल्यू है ना, इधर आके 160 इधर हो गया बराबर 5f, ये कट जाएगा तो पंक्ति आई 15 और 5×10 तो फारेनहाइट f बराबर कितना आ गया 32। जीरो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फारेनहाइट होता है 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। जीरो डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और 32 डिग्री फारेनहाइट इसी का बदला हुआ रूप है दोनों एक ही चीज, लेकिन जीरो डिग्री सेल्सियस और 32 फारेनहाइट को बोला कि दोनों बराबर है क्या, तो हाँ बराबर है क्योंकि जीरो डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फारेनहाइट अलग अलग फॉर्मूला से निकाले तो वही आया, जीरो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 फारेनहाइट। मतलब कि कोई बोले कि पानी जम जाता है फारेनहाइट में कितना डिग्री में, तो 32 डिग्री फारेनहाइट में पानी जम जाता है और सेल्सियस में कितना में, जीरो डिग्री सेल्सियस में जम जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, बोलो 98 डिग्री फारेनहाइट, जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए कि 98 डिग्री फारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा, जल्दी निकालिए 98 डिग्री फारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा, जल्दी निकाल के बताओ। वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पर खौल जाता है, बॉइलिंग करने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगेगा, उसको फारेनहाइट में चेंज करके बोल सकते हैं, ठीक है, हर एक चीज को अलग अलग चेंज करके बोल सकते हैं। अब सीधे सीधे हमको पहुंचना है जल्दी जल्दी, तो अब हम लोग जान लेते हैं हाँ टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। दो प्रकार के थर्मामीटर के टाइप्स होते हैं, पहला होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर और दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर, याद रहेगा पहला लेबोरेटरी थर्मामीटर और दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर। एक बहुत सिंपल सा है, एक वो लेबोरेटरी में अलग थर्मामीटर होता है, ठीक है, और क्लिनिक में डॉक्टर लोग अलग थर्मामीटर रखता है। अब अगर बात करें लेबोरेटरी के बारे में तो यह जो यूज होता है कहाँ, लैब में, लेबोरेटरी थर्मामीटर कहाँ यूज होगा, लैब में, और क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ यूज होगा, मेडिकल में, है ना, हॉस्पिटल में। अच्छा लेबोरेटरी थर्मामीटर को साइंटिस्ट लोग यूज करता है, वही क्लिनिकल को डॉक्टर लोग यूज करता है, याद रहेगा। अच्छा इट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है इसको हम लोग रूम का टेम्परेचर मापने के लिए बस रखते हैं, लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर होगा लेबोरेटरी का वो रूम का टेम्परेचर बताएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी केमिकल सब्सटेंस पर रखा हुआ है, कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु रखा हुआ तो टेम्परेचर अधिक हो जाए तो फट ना जाए, कुछ ऐसा हो जाए, इसके लिए रूम का टेम्परेचर बताने के लिए बस लेबोरेटरी में थर्मामीटर लगा रहता है। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में जो यूज होता है वो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। तीन गो अंतर है, कोई पूछा है कि लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर में कुछ अंतर बताइए, तो पहला लेबोरेटरी थर्मामीटर यह यूज लैब में होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर यह हॉस्पिटल में यूज होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर को साइंटिस्ट लोग यूज करता है, क्लिनिकल थर्मामीटर को डॉक्टर लोग यूज करता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज रूम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है, तो वही क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है। क्लियर हो गया। अगला आता है व्हाट इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंसेस का मतलब, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, इसका यूज पता नहीं आप लोगों को पढ़ना है इस साल की नहीं पढ़ना है, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना। इसका मतलब एक ही बस एग्जांपल समझिए कि कोई भी वस्तु को कोई भी ऑब्जेक्ट को जितना अधिक हम टेम्परेचर उसका बढ़ा देंगे उसके साइज में भी परिवर्तन होने लगेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा। कुछ लोग नहीं सुना, कुछ लोग जमाइए ले में रह गया, देता दो
एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके साइज में भी बढ़ोतरी हो सकता है। जैसे लोहा, लोहा के टेम्परेचर बढ़ा दो ना, बढ़िया से बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा लोहा नहीं, लेकिन उसका साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसको थूर करके इतना मुलायम हो जाता है, इसको हम लोग हथौड़ा मार करके तलवार भी बना देते हैं या फिर हनुमान जी का गदा भी बना देते हैं, दोनों चीज़ बना देते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है चालक, चालन, चालन भी इसको कहते हैं। देखिए कंडक्शन क्या है, कंडक्शन माने बहना, यही समझिए। हीट जो है कोई कोई ऑब्जेक्ट में बहता है, मतलब यहां पर गर्म कीजिए तो हीट अपने से बिना इधर गर्म के इधर भी गर्म हो जाएगा। हैं, लड़की लोग के लिए एग्जांपल कैसे समझाएं, तो तरकारी बनते देखे होंगे, तरकारी में कढ़ाई है, सॉरी कढ़ाई में तराही, कढ़ाई में तराही है, सॉरी तरकारी है, कढ़ाई में तरकारी है और उसमें डाला है छोलनी, ठीक है, और छोलनी डाल के और उसके ऊपर रख दिए थरिया, छोलनी के जो लोला है मोटका फैलल वाला वो तो नीचे है और पतरा वाला ऊपर है, ठीक है। जो हीट के बारे में नहीं जानता वो क्या करेगा, जाएगा सोचेगा कि खैर थारी से अगर ढक दिए हैं तो थारिया तो इसके साथ गर्म हो ही सकता है, तो कोई भी अनपढ़ भी समझेगा, लेकिन छोलनी तो ऊपर लोला है तो इतना दूर थोड़े आएगा, और जैसे ही छुएगा ना हाथ बहुत जोर से जलेगा। इसका मतलब हुआ कि हीट का कंडक्शन हो गया, हीट कंडक्ट हो गया, हीट वहां से बहा, हीट जो है चलता है, हीट भी चलता है। कैसे चलता है उसको बताते हैं, देखिएगा कोई भी अगर वस्तु है तो वह किस चीज से बना है पता है, छोटा छोटा कण से बना हुआ है, उस कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एटम के भी अंदर जा रहे हैं, एटमे कहते हैं, क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो मान लो छोलनी है या रड है, तो मान लो कि एजा परी गर्म हुआ तो एजा परी वाला एटम जो है तो सरका सटल का एटम थे, क्योंकि सॉलिड है और सॉलिड में पार्टिकल होता है एकदम सटल रहता है, तो ई वाला सटल का इसको गर्म कर दिया, ई वाला सटल का इसको गर्म कर दिया, इस सटल का इसको गर्म कर दिया, और उसी सब एक दूसरे से गर्म करते करते यहाँ पर अपने से गर्म हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि जा से जा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हुआ क्योंकि देख लो क्या हुआ, कंडक्शन हो गया। कंडक्शन का मतलब होता है चलना, बहना, जो भी कहें। तो हीट का कंडक्शन दो तरीका से होता है, देखो बाबू हीट का कंडक्शन ही समझना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से हम बताएंगे, बताओ खड़ा एक घंटा होना है तुमको कि झुकनी तोड़ेगा, गाल पर से हाथ हटा बाबू पहले, झुको नहीं, ठीक है, पहले बोल रहे हैं। देखिए अब कंडक्शन का मतलब इधर सुनो, कंडक्शन का मतलब होता है बहना, आगे बढ़ना। तो कंडक्शन के लिए, हीट का कंडक्शन के लिए दो चीज जरूरी है, पहला दो गो ऑब्जेक्ट चाहिए जो एक दूसरे से सटा हुआ रहे। देखो कंडक्शन कैसे कैसे होगा दोनों बता रहे हैं, जैसे अगर यहां पर गर्म है, देखो यहां पर गर्म है, अपने से यहां पर गर्म हो गया तो हम क्या कहेंगे, कंडक्शन हो गया, हीट का क्या हुआ ना, कंडक्शन हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए, हीट को कंडक्शन करने के लिए दो चीज चाहिए, पहला चीज चाहिए कि दो गो ऑब्जेक्ट चाहिए जो एक दूसरे से चिपका हुआ है, सटल रहे एक दूसरे से, ठीक है। अगर कंडक्शन ये दोनों में चाहिए तो पहला ये प्रोसेस पूरा करना है कि दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहे, ये हो गया मगे बोले तो सटल रहे, कॉन्टेक्ट में रहे। दूसरा चीज, ये दोनों में से कोई एक का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए तभी ये कंडक्शन होगा, एक का कम एक का ज्यादा, समझ में आ रहा, तभी कंडक्शन होगा। जैसे जैसे क्या हुआ, छोलनी आप डाले तो पहले से कढ़ाई का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, छोलनी सटा तभी होगा, छोलनी जब तक नहीं सटेगा कढ़ाई में जब तक कंडक्शन नहीं होगा। तो दोनों चीज फॉलो हो रहा, देखो पहला चीज हो रहा कि कढ़ाई के कॉन्टेक्ट में कौन आया, छोलनी आया, आया कि नहीं आया, कढ़ाई के कॉन्टेक्ट में कौन आया, छोलनी आया, और पहला छोलनी का टेम्परेचर कम था कढ़ाई के अपेक्षा, तब क्या हुआ, हीट अपने से इतना फॉलो हो गया। अगर नहीं बात समझ में आ रहा है तो दो चीज, ये बात कम से कम एक बार बोल रहा है जो समझो,
कि कंडक्शन के लिए, कंडक्शन तभी होगा, कंडक्शन गर्म से ठंडा की ओर होता है, याद रखिएगा, कंडक्शन जब भी होगा गर्म से ठंडा की ओर, गर्म से ये रूम पूरा गर्म है, देखना ये रूम पूरा गर्म है, और अगर आपको ठंडा करना है तो हम क्या करेंगे, खिड़की खोलते हैं, काहे लगी कि बाहर है ठंडा, समझना है, समझने वाली बात है, क्योंकि ठीक से है ना जी, बाहर है ठंडा, ठीक है, बाहर है ठंडा अंदर है गर्म, हीट का कंडक्शन कैसा होता है, ठंडा से गर्म की ओर, ये ठंड का हवा चल जाएगा, सॉरी गर्म हवा चल जाएगा, अंदर वाला गर्मी कहा जाएगा बाहर, तो रूम में ठंडा होगा है, गर्मियां हटा तब तो गर्म कोई चीज कैसे होगा, तो उसके लिए चाहिए कोई चीज गर्म कैसे होगा, तो गर्मी के लिए चाहिए, गर्मी कैसे पड़ता है, गर्मी से ठंडा की ओर, हमेशा हॉटनेस कब बढ़ेगा, ठंडा की ओर जाता है, अपने से कम टेम्परेचर की ओर जाता है, हीट जब भी जाएगा तो अपने से कम टेम्परेचर की ओर जाएगा, इतना रूल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम देगा, हीट जब भी जाएगा तो कम टेम्परेचर की ओर, याद रहेगा, हीट जब भी जाएगा तो कम टेम्परेचर की ओर जाएगा, याद रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर की ओर, मान लो कि अंदर एसी है लगल, एसी लगा रहता है, अब एसी लगा हुआ है, सुनना, तो कहता है कि खिड़कियां एकदम सब सबसे बंद कर दो, कहते कि नहीं कहते, कि पूरा रूमा जितना खिड़की तिरके सब बंद कर दो, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाहर है गर्मी ना अंदर है ठंडा, और जानते हैं कि गर्म जो है ठंडे की ओर आता है, तो गर्मा बाहर वाला गर्म जब ठंडे की ओर आएगा अंदर आएगा, तो जल्दी से खिड़कियां बंद करो, क्योंकि बाहर वाला गर्मी कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ये साइंस है, दही लगी सब कहता है, तो कहता है कि एसी में कहीं कहीं से हवा ना आवे के चाहे, अरे भाई एसी कोई बड़का भूत प्रेत है कि आ जाएगा अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ठंडा नहीं हो पाएगा, इसलिए एसी में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा रूम बंद कर देते हैं, बस इतने रीजन है, और एसी फेसी के लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये तो कंदरवा कह के है कि सौसे खिड़की जितने रखिएगा बंद उतने ठंडा होगा, अरे भाई ये सब कुछ नहीं है, वो साइंस है, साइंस कहता है कि गर्म चीज ठंडे की ओर आता है, ठीक है, काहे के लिए ओकरो गर्म कर दे, गर्म चीज चाहेगा कि हम ठंड का जितना ठंडा चीज है सब के हम गर्म कर दे, तो चाहे करेगा, ठीक है, और जैसे दोनों बैठल है, देखो विपिन कहा था हर्ष नाम है जिसका, दोनों शरीर में शरीर सटा के बैठल है, अभी देख रहे तो दोनों बैठल है, दोनों दोस्त है, अब दोनों जब बैठा हुआ है और दोनों का टेम्परेचर एक है तब तो ठीक है ना, एक में सही ओकरा में गर्मी जाएगा ना ओकरा में से एकरा में, और अगर एक दोनों से एक टू का टेम्परेचर कम रहा तो दूसरका वाला टेम्परेचर जाना शुरू, कोई के बुखार हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर बुखार हो जाए, बहुत ज्यादा बुखार लगल है, दम बहुत ज्यादा, छोटा बच्चा है ना, और बुखार लग गया, एकदम डॉक्टर रात है, उसको क्या कीजिएगा बताओ, क्या कीजिएगा, उसके शरीर को आप क्या कीजिए, छोटा बच्चा है इसको अपने में चिपकाइए, तुम गर्म ज्यादा है हम ठंडा है, तो गर्म कुछ कहता है कि हम गर्म है हम ठंडा क्यों आएंगे, तो जितना टेम्परेचर हम खींच लेंगे, हमारा चाहेंगे ना कि हम गर्म हो जाए, उसको बुखार कम जाएगा, ये सिंपल सा चीज है, समझ में आया। अब देखो बुखार लगता तो कहता है कि मुंह ढाक के सुते के चाहिए पसीना छूट जाए, सुने कि नहीं, कि मुंह ढाक के सुते के चाहिए पसीना छूट जाए, काहे के लिए पसीना छूटेगा तो कुछ होगा, पसीना छूटेगा तो आपका शरीर ठंडा होगा, ठीक है, ठंडा होगा, गर्म को ठंडे तो करना है आपको, बस देखो पसीना छूटेगा तो क्या होगा, शरीर ठंडा नहीं होगा, कैसे ठंडा होगा बता रहे, जैसे ही पसीना छूटेगा तो पसीना जैसे ही छूटना शुरू होगा, देखिएगा चादर के अंदर मुंह ढाक के सुतल है, नाक मुंह सब ओढ़ ले है, पसीना छूटने लगा, अब पसीना छूटने लगा और अंदर तो गर्म हो रहा है सब चीज, अब पसीना जैसे छूटा तो पसीना क्या कहेगा कि हम इवेपोरेट होंगे, हमको गर्मी है तो हम उड़ जाएंगे, तो शरीर क्या उड़ो यही तो चाह रहे हैं, और जैसे ही पसीना उड़ा तो आप जानते हैं ना कि जहां पर कोई चीज उड़ता है तो वहां पर ठंडा हो जाता है,
कोई चीज इवेपोरेशन होगा तो वहां पर ठंडा हो जाएगा। कोई चीज के एग्जाम्पल देख लो, फ्रिज एसी सब सब वहीं पर काम करता है। कूलर का देख लो, कूलर क्यों ठंडा करता है? कूलर इसलिए ठंडा करता है, कूलर जैसे ही आप हवा चलाए तो कूलर के चारों तरफ बगलवा पानी गिरता रहता है, देखना पानी गिरता रहता है। पानी कहाँ गिर रहा है कि पानी इसलिए गिर रहा है कि बाहर बहुत गर्मी है, कि पनिया गिरेगा ना तो बाहर सोखेगा यानी इवेपोरेट होगा, तो पानी इवेपोरेट हुआ तो अंदर हवा ठंडा कर देगा तो पंख वो ठंडा देगा। हमारे घर में जाएगा तो मेरे घर में एक टेबल फैन है बड़ा सा, तो उसमें हम ऐसी सोच रहे थे कि इतना ठंडा कैसे करल जाए, तो हम भी सोचे कि दू गो डिब्बा लिए और डिब्बा के हम काट दिए और काट के हम छेद कर दिए और करके डिब्बे के बांध दिए हम पीछे पंखा के पीछे, कि पंखा आगे हवा चल रहा है, ऊपर पंखा चलती है नहीं, सामने पंखा चलती है, और यहाँ पर दू गो डिब्बा बांध दिए और डिब्बा के हल्का काट दिए जिससे ढक्कन जैसे ऊपर खुले बंद हो जाए, ठीक है आधा से, और उसमें छेद कर दिए डिब्बा में और डिब्बा को बांध दिए दोनों पंखा में, यहाँ पर फिक्स कर दिए, इसमें डाल दिए हम बर्फ, पूरा बर्फा के फूल कर दिए, फूल कर दिए, कहे लगी कि बाहर है गर्म तो ये वाला इवेपोरेट होगा तो अंदर जो पंखा के है ना जलिया अंदर ठंडा रहेगा तो बाहर हवा ठंडा फेंकेगा, सक्सेस हो गया। अभी हमको जब भी बहुत ठंडा चाहिए होता है हम फ्रिज में बर्फ जमा के रखते हैं, सबको डांटवो करता है कि बिजली बर्बाद करते हैं, लेकिन फिर हम कटोरी उटोरी में अभी और रख लेंगे जाके देखना पानी बर्फ जमाने के लिए, चार पांच कटोरी में ऊपर हम रख गया है और रख देते हैं उसमें दोनों बोतल फुल कर देते हैं। ऐसी क्या देगा हवा, जिस प्रकार से देता है लगता है कि एकदम मानव जीवन धन हो गया, बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरह से खिड़की को पंखा को आप क्या कीजिए कि कहाँ लगे, खिड़की तक के तरफ लगाइए, है ना, कि क्या करेगा कैसा हवा खींचेगा, ठंडा वाला खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि बाहर है ठंडा अंदर है गर्म, गर्म का कहता है कि ठंडे के हम खींचेंगे, गर्म की नहीं कहेगा, गर्म हमेशा कहता है कि ठंडे के खींचेंगे, तो क्या करेगा गर्म का खींचेगा ठंडा के तो हवा पूरा ठंडा कर देगा। एक ही कॉन्सेप्ट है कि कोई गर्म चीज अपना से कमजोरे वाला के खींचता है, अपना से ठंडा वाला खींचता है, बस इतना सा सिंपल सा टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इंसुलेटर, इंसुलेटर जिसमें हीट उठ पास ना करे, जैसे लकड़ी कागज जो जल जाए सीधे सीधे, ठीक है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्शन या कंडक्टर एक ही बात है जिसमें हीट पास कर जाए, हीट जिसमें पास किया कर गया वो कंडक्टर और जिसमें हीट पास नहीं किया वो इंसुलेटर, क्लियर हो गया। अब आते हैं सी ब्रिज, कल लिखवाना शुरू, आज खत्म कर देते हैं उसका कल लिखवाना शुरू, ठीक है सी ब्रिज सुनिए, एक दिन का टॉपिक था ये सी ब्रिज। सी ब्रिज का मतलब में सी ब्रिज में पहले दो तीन बात सीख लो। पहला चीज, गर्म हवा हल्का होता है, याद रखना, किधर हॉट एयर हल्का होता है, लाइटर, लाइटर भी हल्का, कोई इंग्लिश में लाइटर, अरे गर्म हवा हल्का होता है और गर्म हवा हल्का ही होता है, इसीलिए तो देखो ये सब वेंटिलेटर का है, पगला तो न था, चूहा खुशा लगे तो न लगाया, इसलिए लगाया इतना ऊंचा पर क्योंकि गर्म हवा हल्का होता है, गर्म हवा हल्का होता है इसलिए ठंडा के समय में आज के बाद मुंह खोल नहीं करना। एगो लड़का था उसके फूफा आए हुए थे रूम में, बहुत ठंडा था तो बहुत ठंडा, फूफा बोले कि हीटर उटर ना है, तो घर में रहता है कोई सामान तो लेकिन बड़ी जल्दी गश देता है, हाँ हाँ है बाबूजी गुड़ना रहे कि बिजली बिल उठाएगा अभी बहुत जबरदस्त ठंडा, देखते हैं कितना बिजली बिल उठाता है। लड़का लगा दिया, लड़का बोला कि फूफा जहाँ ऊंचा पर रख दें, बोले फूफा क्या पता हुआ रख दो, फूफा कहला ऊंचा पर रखेगा तो अच्छा ना है, ऊंचा पर रख दिया आधा घंटा हो गया दो घंटा हो गया एक बट गर्म नहीं हुआ, अब फूफा चुटकी लिए केकड़ा पर गार्जियन पे कि लगता है सस्ता कंपनी वाला काला है। अब देखिए इसमें साइंस काम नहीं कर रहा था, फूफा को दिमाग, लड़का को चाहिए था कि वो नीचे दम रखे जितना जमीन के नीचे दम नीचे रख देता, नीचे रखता तो क्या होता ठंड गर्म हवा गर्म चीज ऊपर की ओर जाता है, हल्का होता तो ऊपर जाता है तो फैलता तो पूरा में फैलता तब तो फूफा के एकदम लगता कि बढ़िया से पसेना छूटता है। आई रख दिया ऊपरे और ऊपरे इतना मान लो कि नीचे फूफा सुतल है और इतना पर रखल है कूल हॉट हीटर तो क्या होगा, इसका कि इतना नीचे हम कहा लग जाए, नीचे तो जाता नहीं, इतने से बाहर निकलेगा वेंटिलेटर वा दिया
तो फूफा के गुदगुदी होगा, मतलब कपकपी तो होगा ही। अब फूफा अगला दिन अगला बार आए, गर्मी के दिन में आए, एसी खरीदाया था नया नया दम, ठीक है। लड़की फूफा फिर बोली, लड़की एगो अभी थी, बोली कि फूफा एसिया लगा दें, नीचे एसी रखल था। वो क्या की कि नीचे एसिया रख दी, कहला कि फूफा के मुंह में पड़ लगेगा ऐसे करके, ठीक है। अब गर्म ठंडा हवा जो होता है भारी होता है, वो क्या होता है नीचे की ओर जाता है। वो कुछ होता था जो एसिया था, नीचे हवा पूरा रूम में खाली फैल कर रह गया, तो मौसा के कुछ नहीं हुआ। मौसा फिर बोले कि सब एक खत्म है, फूफा था जो भी था। इसमें क्या था, एसी को जब भी देखिएगा कहीं भी लगाए हुए देखते होंगे आप, तो ऊंचा पर एसी लगा रहता है। कि नीचे में कहीं देखे हैं, नीचे कहीं एसी से देखा है क्या, कोई देखा तो बोलो। जब बड़ा बड़ा आदमी होगा वो लोग लगाता है, चार पांच को एसी एक रूम में लगा दिया है ना, पलंग के बगले में वो एसी रहता है ना, ओकरा में ऐसे कर दे और पूरा देखिएगा तो मुँह परदम आया एसी। बहुत खतरनाक चीज है सब, एसी में जो रहता है उसका शरीर तो यह बर्बाद होता है ना कि क्या होता है। ज्यादा एसी में रहने वाला बहुत खतरनाक चीज है। देखिए आप नेचुरली नहीं रहिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। एक्टर जितने भी एक्टर्स और एक्टर्स जो भी कहे, डायरेक्टर्स जो भी कहे, ये लोग क्या होता है नेचुरली रहने का प्रयास करता है। हालांकि ये लोग भी एसी में रहता है लेकिन फिजिकल बहुत ज्यादा करता है। हम लोग को गर्मी है तो गर्मी भगवान किस लिए बनाए कि गर्म में रहो थोड़ा सा, हम लोग पूरा ठंडा बनाए हुए हैं तो शरीर उसका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग के जीवन में यही होता है। तो चलिए इसको सीख लीजिए ना कि ठंडा हवा ऊपर से नीचे की ओर आता है और गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, याद रहेगा। ठंडा हवा ऊपर से नीचे, ऐसे याद रखना, ठंडा हवा और गर्म हवा हीटर, रूम हीटर कहाँ रखना है नीचे रखना है ताकि ऊपर भर रहे। अब देखो एक बात है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज थोड़ा सा देख लेते हैं, सेवन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है, सबसे पहले सी ब्रिज देख लो, ACA सी ब्रिज जल्दी देखो, अच्छा से देखो, बहुत जल्दी समझना है। आज सीए ब्रिज खाली समझाएंगे, कल लैंड ब्रिज समझाएंगे और सी ब्रिज बढ़िया से समझा देंगे, देखना। सी का मतलब समुद्र होता है, लेकिन एक ट्रिक इसका याद रखिए, एस से सी और एस से सन, यानी दिन के समय होता है। सी ब्रिज दिन के समय होगा और लैंड ब्रिज रात के समय होता है, याद रहेगा। एस से सी, एस से सन। होता क्या है कि दिन के समय पृथ्वी का अलग एक नेचर है, पृथ्वी अर्थ जो है ना वो जितने जल्दी गर्म होती है उतना ही जल्दी ठंडा, इसका गर्म होने का बहुत जल्दी और ठंडा भी होने का इसका बहुत जल्दी, दोनों चीज, ठीक है। जस्ट लाइक आप लोग मम्मी के जैसा है, खिसियाई तो जल्दी और तुरंत भसू लगी है ना, तो दोनों चीज है। ये माता पिता जैसा सब हम ले रहे एग्जाम्पल, खिसियाई तक आज तक सब पढ़ाई छोड़वा देव, अब पिताजी हो गए सीरियस, बोले कि छोड़वा देगी तो चलो ठीक है आज कर ही दो, तब पिताजी के बोले कि धत जी है ना ये सब नहीं करना है, हम मजाक ना किए थे। तब पिताजी को समझ में आता कि अरे भाई हम मजाक कर रहे, ऐसा होता है। माता जी जब सीरियस हो गई बोले कि आज एक नाम कटवा दीजिए, जान मार दीजिए आज, पिताजी सीरियस ले लिए, बोले कि जान मारना है ले लिए, सब पक्का देना शुरू कर दिया, पकड़ ली हाथ, बोले कि धत जी यही कुछ करना है, हम मजाक न किए थे है ना, बच्चा के जान लीजिए क्या। तो माता पिता में देखते हैं पिताजी सीरियस होते हैं, हम हमारे पिताजी बताते थे, माता जी एक बार पकड़ ली पूरा जोर से, बोले कि जितना मार के आज खत्म कर दीजिए, तो पिताजी बोले कि आज हाथे गोर तोड़ देते हैं इसको। हमको बोले, हम शाम में धरा गए तो थोड़ा लेट आ गए थे, घर से गए थे, हमको टाइम मिलता था कि इतना बजे आना है, और वहाँ से 10 मिनट लेट हो गया, शुरू हो गया। अब इसी बीच में क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही ऐसे करके पिटाए पकड़ ली है ना, तो हम क्या किए अपना पैर ही उठा दिए और बहुत जबरदस्त लगा, ठीक है। किनको लगा, पिताजी को लगा, छोड़ छाती है। कोई होता है गर्मी के दिन में, सॉरी गर्मी नहीं, दिन के समय सूर्य उगे हुए रहते हैं और सूर्य उगने के कारण धरती बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी। अर्थ का नेचर है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है ना, अगर दोनों चीज बदल जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको बैंक में पैसा लेने में दिक्कत होगा। तो गर्म हो जाता है और वही दूसरा, और पानी का अलग नेचर है,
समुद्र के पानी का अलग नेचर है बाबू, जितना जल्दी गर्म जितना लेट से गर्म होता है उतने लेट से ठंड भी होता है, दोनों चीज है। देखो अर्थ जो है जितना जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा, तो वही समुद्र का पानी जितना जल्दी जितना लेट से गर्म उतना ही लेट से ठंडा है। इसमें लेट का होता है और इसमें जल्दी बाजी है, दोनों चीज समझ में आया कि नहीं आया बोलो, दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब क्या हो रहा है देखो, दिन के समय देखना ये है आपका, इधर मैं आपको धरती बना रहा हूँ, ये पृथ्वी है इधर, और मार्कर नहीं उग रहा है बाबू थोड़ा ध्यान, और इधर पानी है देखो वाटर है, देख लो बढ़िया से, इधर है सी का समुद्र का पानी और इधर है पृथ्वी, देख लीजिए। अब सूर्य उगे हुए हैं, सूर्य देवता एकदम अपना आंख फाड़े हुए हैं, एकदम खिसियाल है, लग रहा है जैसे एकदम अभी देख रहा सूर्य कितना खिसिया हुआ है, खिसिया हुआ है एकदम, सूर्य एकदम टपका रहा है पूरा चारों तरफ से, देख लो बढ़िया से। अब जैसे ही सूर्य का गर्मी आया, देखो इधर सूर्य का गर्मी जैसे ही धरती पर पड़ा, तो सूर्य का गर्मी पड़ता ही अर्थ पूरा अर्थ भी खोलने लगा, अर्थ भी दम गर्म हो गया। वही दूसरी ओर पानी का नेचर है जल्दी नहीं होने का, ये क्या होगा कम हो जाएगा, कम ठंडा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो। अर्थ पर चारों तरफ जो हवा चलेगी वो कैसा चलेगी बताओ, गर्म, और यहाँ पर जो ऊपर ऊपर हवा चलेगी वो कैसा, कैसा ठंडा, कैसा ठंडा, यहाँ पर हवा कैसा चलेगी गर्म। अभी एक आप बताया है कि गर्म चीज ठंडा को खींचता है या ठंडा चीज चाहता है कि गर्म की ओर चल जाए, तो एक चाहेगा कि हम गर्म की ओर चल जाए, तो धरती पर यहाँ पर किनारे में लगेगा ठंडा जैसा लगेगा, नहीं लगेगा सागरों की अपेक्षा यहाँ पर ठंडा, इसीलिए लोग गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं समुद्र के किनारे, हाँ मुंबई वगैरह जाते हैं ना समुद्र के किनारे ब्रिज पर, सब देखते हैं आंख में खीरा ऐसे लगा रहा है पहले से देखते होंगे, तो क्यों जाता है पता आपको क्यों जाता है, इसलिए जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका सी ब्रिज हो रहा है, सी ब्रिज हो रहा है, इसलिए हो रहा कि समुद्र के पानी में गर्मी गर्म बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत लेट से होता है, धरती बहुत जल्दी गर्मी हो गया, तो ये चाहेगा ना कि ठंड का चाहेगा कि हम गर्म हो जाए। अब ये बताया ना कि गर्म चीज कोई चीज के खींचता है, ठंडा वाला चीज के खींचता है, खींचा तो यहाँ पर जितना भी अगर ऊपर ठंडा है सब आ गया धरती पर, तो धरती पर आ गया तो धरती हो गया ठंडा, तो सब कहता है कि गर्मी में समुद्र के किनारे ठंडा रहता है, इसी प्रोसेस को हम लोग सी ब्रिज कहते हैं, समझ में। अब लैंड ब्रिज हम लोग कर सीखेंगे, आप लोग का काम है सी ब्रिज क्या होता है उसको लिख के आइएगा, व्हाट इज सी ब्रिज, और जितने भी टॉपिक पर आए उसको लिख के आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कितना आप याद किए उसको, और मैथ्स में होमवर्क बना लीजिएगा, क्या है सिंप्लीफिकेशन था, क्या चल रहा था, अच्छा ठीक है जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद।